हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का PT 365। यह आर्ट एंड कल्चर का है, जिसमें अभी तक हमने दो मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा तीसरा टॉपिक है, सुर्खियों में रही महत्वपूर्ण स्थल। चलिए देखते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है साइक्लोपियन वॉल। साइक्लोपियन वॉल, बिहार सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव एक बार फिर से भेजा है। साइक्लोपियन वॉल के बारे में, साइक्लोपियन वॉल पत्थर की एक 40 किलोमीटर लंबी दीवार होती है। यह 25 वर्ग से अधिक पुरानी संरचना है। इसे बिहार का प्राचीन शहर राजगीर घिरा हुआ है। राजगीर बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी है। ये दोनों शासक बुद्ध के समकालीन थे। दीवार का निर्माण पूर्वी मौर्य युग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले में कराया गया था। इसे बृहदत्त या रावड़ी वंश के दूसरे शासक राजा जरासंघ ने निर्मित करवाया था। इसे राजगीर को बाहरी शत्रुओं और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए निर्मित किया गया था। इस दीवार को विशाल अनगढ़ पत्थरों से बनाया गया है। यह दीवार विश्व में साइक्लोपियन चिनाई के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। साइक्लोपियन चिनाई एक प्रकार के महापाषाण स्तंभ का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द होता है। इसमें गारे के बिना पत्थर के असामान्य रूप से बड़े खंडों का उपयोग करना शामिल होता है। प्रायः किलेबंदी हेतु इस प्रकार की चिनाई का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजगीर में साइक्लोपियन वॉल फ्रंटियर ऑफ द रोमन एम्पायर से समान है। यह जर्मनी, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से होकर गुजरती है। इसी वर्ष 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब विश्व धरोहर सूचियों का स्थलों का नामांकन प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें एक आता है अनंतम सूची, नामांकन फाइल और अंतिम अभिलेख। अनंतम सूची यह एक पहला कदम होता है जो किसी देश को अपनी सीमाओं के भीतर स्थित अपने महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों की इन्वेंट्री उठाना चाहिए। नामांकन फाइल, यूनेस्को द्वारा एक स्थल को अनंतम सूची में शामिल करने के बाद उस देश को आवश्यक दस्तावेज और नक्शे के साथ एक नामांकन दस्तावेज करना होता है। इसे सलाहकार निकायों को मूल्यांकन के लिए भेजा जाता है। अंतिम अभिलेख, एक प्रकार के किसी स्थल को नामांकित और मूल्यांकित करने के बाद यह विश्व विरासत समिति पर निर्भर है। वह विरासत विश्व विरासत सूची पर अपने अभिलेख पर अंतिम निर्णय ले। अब देखते हैं यूनेस्को क्या है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म है। इसमें इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के बारे में, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसे वर्ष 1945 में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति व सुरक्षा में योगदान देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने की व्यवस्था उपलब्ध कराना है, उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियों से निपटना आदि है। इसकी सदस्यता में 195 देश और 8 एसोसिएट सदस्य हैं। संरचना, यूनेस्को के सचिवालय की अध्यक्षता इसका महानिदेशक करता है। यह जनरल कॉन्फ्रेंस और कार्यकारी बोर्ड के निर्णयों को लागू करता है। यूनेस्को से संबंधित पुरस्कार, यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार इसे निजी व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया गया है। दूसरा पुरस्कार, यूनेस्को फिलिप्स होपियोटिक बोइगनी शांति पुरस्कार, यह जीवित व्यक्तियों व सक्रिय संस्थानों को शांति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसे और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समूह का सदस्य है। यूनेस्को के 3 सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, कुक आइसलैंड, न्यू और फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र के 3 सदस्य देश इजराइल, लिखटेनस्टाइन व संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। इन स्थलों के लिए यूनेस्को दर्जों का अर्थ क्या है देख लेते हैं। इसमें पहला आता है, यह केवल इन स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि उस राज्य के अन्य ऐतिहासिक स्थलों में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देगा। दूसरा, पर्यटन की अधिक स्वतः ही वहाँ बेहतर सुविधाओं और समुदाय के लिए अधिक आय को लाएगी जहाँ ये विरासत स्थल स्थित है। तीसरा, एक बार जब कोई स्थल विश्व विरासत स्थल की सूची में आ जाता है तो उसकी ये प्रतिष्ठा नागरिकों और सरकार के बीच इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देशों को इन स्थलों के संरक्षण के लिए विश्व विरासत समिति से वित्तीय सहायता और विशेषज्ञ राय भी प्राप्त हो सकती है और इन स्थलों को युद्ध के समय जेनेवा समझौते के तहत संरक्षण मिलता है।
बिहार में और यूनेस्को धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, जो 2002 में सूचीबद्ध हुआ था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में की शुरुआत में की थी। यह 12वीं शताब्दी तक प्रचलित अवस्था में रहा था। इसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा है बोधगया का महाबोधि मंदिर, इसे भी 2002 में सूचीबद्ध किया गया। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मूल संरचना मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई थी। इसे गुप्त काल के अंत में पूरी तरह से ईंटों से बनाया गया था। वर्तमान मंदिर 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के हैं। संबंधित सुर्खियाँ, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि मोहनजोदड़ो के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जाता है तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटाया जा सकता है। अब तक 3 धरोहर स्थलों का विश्व विरासत दर्जा वापस ले लिया जा चुका है, जिसमें पहला आता है ओमान की अरेबियाई ओरिक्स सेंचुरी 2007 में, जर्मनी के ड्रेसडेन में स्थित एलवी वेली 2009, इंग्लैंड का लिवरपूल 2021। यूनेस्को को सूची से हटाने की प्रक्रिया, जब कोई स्थल यूनेस्को के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो संबंधित देश को एक चेतावनी पत्र भेजा जाता है। फिर उस स्थल को यूनेस्को के खतरे में विश्व धरोहर सूची स्थल में रखा जाता है और अंतिम में स्थल को सूची से हटा दिया जाता है। अब आयरन एज या लोह युग के बारे में, हाल ही में सुर्खियों में क्यों? हाल ही में तमिलनाडु में मरियादमपुरी में हुए उत्खनन की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि भारतीयों को 4200 वर्ष पहले लोहे के इस्तेमाल की जानकारी थी। प्रमुख निष्कर्ष, मरियादमपुरी से खोजे गए लोहे के औजारों के आधार पर तमिलनाडु में लोह युग का संबंध 2172 ईसा पूर्व से 1615 ईस्वी तक माना जा रहा है। मरियादमपुरी एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है और यहाँ से प्राप्त सांस्कृतिक सामग्रियाँ सूक्ष्म पाषाण और ऐतिहासिक युगों के बीच की हैं। यहाँ से प्राप्त सांस्कृतिक साक्ष्य से पता चलता है कि स्थल का समय काल नवपाषाण काल से ऐतिहासिक काल के मध्य का था। इसमें सूक्ष्म पाषाण काल, नवपाषाण काल, लोह युग, आरंभिक व पूर्व ऐतिहासिक या ऐतिहासिक काल 5 सांस्कृतिक चरणों में माने जाते हैं। इन्हें मिट्टी के पात्र, लोहे के उपकरण, शैल कला, स्मारक, पाषाणों और शिलालेखों के आधार पर चिन्हित किया जाता है। तमिलनाडु में उत्तर नवपाषाण चरण की शुरुआत 2200 ईसा पूर्व की हुई थी। यह निष्कर्ष दिनांकित स्तर से नीचे पाए गए 25 सेंटीमीटर मोटाई के सांस्कृतिक निक्षेपों के अध्ययन पर आधारित है। पुरातत्वविदों ने यह भी पाया कि काले एवं लाल ब्रह्मांड का नवपाषाण काल के अंत में उपयोग शुरू हुआ था, ना ही कि लोह युग में। यह खोज प्रचलित मान्यता के विपरीत है। नवीनतम खोज से पहले तमिलनाडु में लोहे के उपयोग का प्रथम साक्ष्य मैटूर के समीप तेलुंगनूर और मंगडू को माना जाता था। इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था। निष्कर्षों का महत्व, यह कालक्रम के पुनर्निर्धारण में सहायक है। इसे माना जा सकता है कि हमारी लोह युगीन सांस्कृतिक आधार 2000 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। इस तिथि निर्धारण ने सिंधु घाटी सभ्यता और तमिलगम या दक्षिण भारत के संगम काल के बीच के अंतर को बहुत कम कर दिया गया है। इसमें भारत के विभिन्न स्थानों पर लोह युग का प्रारंभ कहाँ कब हुआ? 2172 से 1615 ईस्वी पूर्व में मरियादमपुरी तमिलनाडु में हुआ। 1900 से 2000 ईस्वी पूर्व में वाराणसी के निकट मल्हार और उत्तरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में, 1700 से 1800 ईस्वी पूर्व में मध्यगंगा घाटी में रायपुर में, और 1530 ईस्वी में कर्नाटक स्थित बुक्का सागर में, और 1500 ईस्वी में तमिलनाडु के मैटूर के निकट मंगडू में, और 1300 ईस्वी पूर्व में राजस्थान स्थित आहाड़ स्थान पर लोह युग का प्रारंभ माना जाता है। भारतीय सभ्यता में धातु के प्रयोग की प्रासंगिकता, सभ्यता का इतिहास उन धातुओं के उपयोग से जुड़ा है तो जो कृषि के लिए आवश्यक है, जो बदले में सभ्यता की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को आकार प्रदान करते हैं। तावे के उपयोग के दौरान समाज, सिंधु घाटी सभ्यता में तावे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लोहे की जानकारी नहीं थी। तावे से बने उपयोगी उपकरण कमजोर होते थे और लोहे के औजार जितने मजबूत नहीं होते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने पर दोहन के लिए तावे की अनुपलब्धता ने देश के अन्य क्षेत्रों को पाषाण युग में रहने के लिए विवश कर दिया। लोह युग के उपयोग के दौरान समाज, उत्तर वैदिक के दौरान आर्य संस्कृति के विस्तार का मुख्य कारक लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे के उपयोग की शुरुआत थी। लोहे के उपयोग से कृषि और औजारों और हथियारों का निर्माण हुआ। इस प्रकार कृषि
उत्तर वैदिक लोगों के जीवन का मुख्य आधार बन गई। इसके अतिरिक्त भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों के घने वनों को साफ करने के लिए लोहे के औजारों का उपयोग किया गया था। अब देखते हैं राखीगढ़ी सुर्खियों में क्यों। राखीगढ़ी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा के हिसार जिले में हड़प्पा के स्थल राखीगढ़ी का उत्खनन करवाया था। यहाँ से कुछ घरों की संरचना, गलियों और जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। राखीगढ़ी के बारे में, राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप के 5 सबसे बड़े स्थल हड़प्पा स्थलों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य बड़े स्थल पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गंगबेरीवाल तथा भारत में धोलावीरा है। पुरातत्व उत्खनन से पता चलता है कि परिपक्व हड़प्पा चरण का प्रतिनिधित्व योजनाबद्ध नगर प्रणाली का द्वारा किया गया था। इनमें कच्ची ईंटों के साथ साथ पकी हुई ईंटों के घर तथा उनमें उचित जल निकासी की व्यवस्था थी। मिट्टी से बने फर्श का कच्ची ईंटों से निर्मित फसु बली गर्तों एवं त्रिभुजाकार वित्तीय अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज के 100 वर्ष पूरे हुए। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में रखालदास मुखर्जी के द्वारा किया गया था और वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे। उन्होंने 1914 में प्रकाशित प्राचीन मुद्रा पुस्तक लिखी थी और यह मुद्रा शास्त्र पर केंद्रित थी। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी में कई मोनोग्राफ एवं पुस्तकें और उपन्यास लिखे थे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के शिक्षक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यह दक्षिण एशिया की प्रारंभिक सभ्यता थी। इसमें कांसुगेन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसकी अन्य सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यताएं। इसे आमतौर पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसका कालक्रम प्राक हड़प्पाई सभ्यता 3300 ईस्वी से 2600 ईस्वी पूर्व और परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व है। कुछ महत्वपूर्ण परिपक्व हड़प्पाई स्थल इसमें दिखाए गए हैं, जहाँ कहाँ हड़प्पा राखीगढ़ी, मांडा, गनवारी वाला, कोट देजी, मोहनजोदड़ो, आमेरी, सुतकांडेडोर, ये यहाँ इसको दिखाया गया है जो पाकिस्तान और भारत के मध्य स्थित है। प्रमुख विशेषताएं, नगरीय केंद्रों का विकास, लिपि, मोहरों पर लेखन की एक पंक्ति, अधिकांश अभिलेख छोटे हैं, लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है या दाएं से बाएं लिखी गई है। बेस्ट ऑफ फ्रीडम प्रगति के साक्ष्य पाए गए हैं, जहां लेखन दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं होता है। सिनौली में एक योद्धा वर्ग की उपस्थिति का पता चलता है। हाल ही के उत्खनन के दौरान प्राप्त प्रमुख साक्ष्य, उत्खनन में 2 महिलाओं के कंकाल मिले थे जो लगभग 5000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। अंत्येष्टि अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में इन कंकाल अवशेषों के पात्र, 7 पात्र और अन्य कलाकृतियां दफनाई हुई मिली हैं। कलाकृतियां, सैलखड़ी निर्मित मोहर, टेराकोटा से बनी चूड़ियां, हाथी के रूपांकन के साथ टेराकोटा की मोहर, हड़प्पा लिपि के साक्ष्य आदि हैं। बसावट के चिन्ह, टीला नंबर 3 के उत्खनन से एक कुलीन बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब तक उत्खनित सभी हड़प्पा स्थलों में त्रिस्तरीय अधिवास के एक समान संकेत प्राप्त हुए हैं, जिनमें कच्ची ईंटों की दीवारों पर समान बस्तियां, कच्ची ईंट की दीवारों के साथ सरपकी हुई ईंट की दीवारों वाली कुलीन बस्ती तय और संभावित मध्य स्तर की बस्तियाँ होती हैं। शोधकर्ताओं ने अभी तक इसे निर्धारित नहीं किया है। ये 3 स्तरीय अधिवास विशेषता समुदाय या व्यवसाय पर आधारित ही या नहीं। आभूषण निर्माणी, 5000 वर्ष पुरानी आभूषण निर्माणी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इस नगर में व्यापार भी किया जाता था। प्रमुख हड़प्पा स्थल और उनकी विशेषताएं, धोलावीरा या गुजरात। धोलावीरा से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में। धोलावीरा गुजरात में खादेर के एक सूक्ष्म द्वीप पर स्थित धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ सैलखड़ी अथवा चूना पत्थर की दीवारों से युक्त एक दुर्गीकृत गढ़ी, निचला नगर, मध्य नगर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि अन्य अनेक हड़प्पाई स्थलों में कच्ची ईंटों से निर्मित दीवारों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जलाशयों की सोपानी श्रृंखला के साथ एक परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली भी मौजूद थी। यहाँ से एक बड़े कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ 6000 के स्मारक हैं जो हड़प्पा की मृत्यु के प्रति अनूठे दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देते हैं। अन्य हड़प्पाई स्थलों के साथ साथ मेसोपोटामिया क्षेत्र, ओमान प्रायद्वीप के शहरों के साथ भी अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल आभूषण निर्माण कला का भी केंद्र था।
आभूषण सीप या अर्ध कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। यहाँ से काष्ठ का भी निर्यात किया जाता था। दूसरा स्थल आता है लोथल, जो गुजरात में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पत्थर नगर है। यहाँ पर एक गोदीवाड़ी की साक्ष्य प्राप्त हुई और इनकी संरचना कच्ची ईंटों से निर्मित है। यह खम्बात की खाड़ी के पास भोगावो और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। लोथल के एक कब्रिस्तान से 21 मानव कंकाल मिले हैं और यहाँ से तावे के बर्तन बनाने वाले ढलाई घर की भी खोज की गई है। इस स्थल में अर्ध कीमती पत्थरों, सोने आदि से बने आभूषण भी मिले हुए हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय गुजरात के लोथल में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बना रहा है। यह देश में अपनी तरह का पहला परिसर होगा जो भारत की समृद्ध और विविध समुद्र विरासत को प्रदर्शित करेगा। यह भारत में सागरमाला योजना के तहत संचालित प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। सागरमाला योजना को देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए आरम्भ किया गया है। इसे पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसे वित्त पोषण अनुदान के लिए राष्ट्रीय संस्कृति कोष से मिलता है। यह इससे संबंधित सुर्खियां रही हैं। हड़प्पा पाकिस्तान। हड़प्पा मुख्यतः हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है। हड़प्पा मुहर संभवतः हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है। यह सैलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। इस तरह की मुहरों में अक्सर जानवरों के रूपांकन एवं एक विशिष्ट लिपि के अंकित चिन्ह हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी और हड़प्पा से एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। उनमें ईंट से बने गोलाकार चबूतरों की पंक्तियाँ भी थी। इनका उपयोग अनाज की भूसी निकालने के लिए किया जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की अनंतम सूची में शामिल है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। यह दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी संरक्षित नगरीय बस्ती थी। इसे ज़्यादातर पकी हुई ईंटों से बने नियोजित नगर दो खंड थे। एक पश्चिम में गढ़ी तथा पूर्व में निचला नगर था। गढ़ी क्षेत्र में दूसरी शताब्दी ईस्वी में बिना पकी ईंटों में एक बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था। इमारतों को सड़क के किनारों पर बनाया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए एक जाल का निर्माण करती थी। इस नगर में एक सार्वजनिक स्नानागार था और यह विशाल स्नानागार इस स्थल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अन्य विशेषताओं में पुजारियों का एक विद्यापीठ या आदिवास हुआ करता था, जो एक विस्तृत जल निकासी प्रणाली, कुएं, अपशिष्ट जल के निपटान के लिए सोखता गर्त और एक बड़ा अन्नागार है। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण, मोहनजोदड़ो से बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा, कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा या काली रंग की चूड़ियाँ, इसका यह नाम काली रंग की चूड़ियों के टुकड़ों के घने वितरण के कारण रखा गया है, जो इसके टीले की सतह पर पाए गए हैं और यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। और इसके अतिरिक्त कालीबंगा का निचला नगर दुर्गीकृत था। बनावली हरियाणा। बनावली हरियाणा में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता में अपनी केंद्रीकृत योजना के लिए जाना जाता है। बनावली में मुख्य सड़कें सीधी होने की बजाय घुमावदार थी। उत्खनन से तीन प्रकार के सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुए हैं, जिसमें पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। अब आता है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार उज्जैन में चंद्रसेन नामक एक शासक था। वह शिव का भक्त था। भगवान शिव उसके लिए महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उसके शत्रुओं का नाश कर दिया। अपने भक्तों की प्रार्थना पर शिव उस नगर में ही रहने के लिए सहमत हो गई और वहाँ के मुख्य देवता बन गई। सुर्खियों में क्यों महाकालेश्वर मंदिर? वो हाल ही में प्रधानमंत्री ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। महाकाल लोक एक मेगा कॉरिडोर परियोजना है। इस परियोजना के तहत महाकालेश्वर मंदिर परिसर में क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इससे अधिक संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आ सकेंगे। इस कॉरिडोर के दो भव्य प्रवेश द्वार हैं, जिसमें एक 108 अलंकृत स्तंभों वाली एक समानांतर स्तंभ पंक्ति होगी। इसमें भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाया गया है और दूसरी 50 से अधिक भित्ति चित्र वाले रनिंग पैनल स्थापित किया जाएगा और इसमें शिव पुराण की कथाओं का चित्रण किया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर की अवस्थिति। यह मंदिर मध्य प्रदेश की उज्जैन क्षेत्र में छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषताओं में यह 3 मंजिला मंदिर है। यहाँ पर सबसे नीचे मध्य और ऊपरी भागों में क्रमशः महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर की लिंग स्थापित है। शिव का स्वरूप महाकाल अर्थात समय और मृत्यु के देवता, गर्भगृह में मूर्तियाँ, ज्योतिर्लिंग के अलावा गणेश, कार्तिकी और पार्वती की मूर्तियाँ हैं। शिखर छोटी मीनारों वाले शिखर अत्यंत भव्य है और मंदिर परिसर में कोटी तीर्थ नामक कुंड भी मौजूद है।
महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना का सही समय ज्ञात नहीं है। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। आगे चलकर राजकुमार कुमारसेन प्रद्योत वंश के राजा चंड प्रद्योत के पुत्र ने 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व महाकाल मंदिर में कानून और व्यवस्था के प्रबंधन का दायित्व संभाला था। प्रद्योत वंश ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच अवंती पर शासन किया था। कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशन में इस मंदिर के निकेतन के रूप में वर्णित किया है। संभवतः इसका यह कारण था कि मंदिर की छतें अधिकतर समतल थीं। इस मंदिर में पुनर्विकास और पुनर्निर्माण का कार्य कई शताब्दियों तक किया जाता रहा। इसके परिणामस्वरूप मंदिर परिसर में भूमिजा, चालुक्य और मराठा साम्राज्य स्थापत्य शैली का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध है। परंपरागत रूप से ज्योतिर्लिंगों के मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होते हैं और इसके विपरीत महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा में है। दक्षिण की ओर मुख होने के कारण ऐसा माना जाता है कि यह यम या मृत्यु की देवता का दिशा का द्योतक है। शिव इस तथ्य के प्रतीक है और मृत्यु एवं महाकाल के स्वामी हैं। महाकालेश्वर को स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकटा हुआ माना जाता है, जबकि अन्य ज्योतिर्लिंग को अनुष्ठानिक रूप से स्थापित माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक यहाँ की जाने वाली भस्म आरती है। भस्म आरती सूखी लकड़ी और गाय के गोबर की राख का उपयोग करके की जाने वाली प्रार्थना होती है। यह आरती अत्यंत विशिष्ट और महिलाओं को इसे देखने की अनुमति नहीं है। स्थापत्य शैली के संबंध में अन्य तथ्य में भूमिजा शैली, चालुक्य शैली और मराठा शैली। भूमिजा शैली के मंदिरों की विशेषता केंद्रीय लैटिनाय शिखर है जो चारों ओर से ऊपर की ओर पतला होता है। इसके अतिरिक्त इनमें संलग्न छोटे छोटे शिखर केंद्रीय शिखर को अलंकृत करते हैं। चालुक्य शैली की अनूठी विशेषता इस शैली के मंदिरों को की तारकीय और आधार से सीढ़ी नुमा निर्माण योजना होती है। मराठा शैली में निर्मित मंदिरों की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं, जिसमें लकड़ी के बने सभा मंडप, साइप्रस वृक्ष के आकार जैसे स्तंभ, पत्थर निर्मित फव्वारे और ऊंट एवं चूने से निर्मित शिखर होते हैं। ज्योतिर्लिंग देख लेते हैं कि भारत में ज्योतिर्लिंग किस राज्य में कौन सा ज्योतिर्लिंग है। जैसे पहला आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में केदारनाथ, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, जो महाकालेश्वर उज्जैन में है और ओमकारेश्वर शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। फिर आता है गुजरात में नागेश्वरम और सोमनाथ, जो एक सौराष्ट्र में सोमनाथ है और द्वारकावनम में नागेश्वरम है। फिर आता है नासिक, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर हैं, जो पुणे में स्थित है। और यहाँ आते हैं तो देवघर झारखंड में बाबा बैद्यनाथ है और वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर है और महाराष्ट्र में औरंगाबाद में घृष्णेश्वर मंदिर है और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुना है और सबसे अंतिम रामेश्वरम तमिलनाडु में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये यहाँ के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के हैं, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन का महाकालेश्वर का मंदिर है। क्या आप जानते हैं उज्जैन शहर के बारे में? उज्जैन शहर भी हिंदू शास्त्रों की शिक्षा के प्राथमिक केंद्रों में से एक था। इसे 6ठी और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवंतिका कहा जाता था। उज्जैन से जुड़े प्रसिद्ध विद्वान ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कालिदास, बारहमहेर, बाणभट्ट, राजदेव, राजशेखर, पुष्पदंत, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, भरत, हरि, दिवाकर, कट्यम आदि हैं। उज्जैन एक ऐसी भौगोलिक अवस्थिति है जहाँ देशांतर की शून्य मध्यान रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। 18वीं सदी में महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा यहाँ की एक वैधशाला का निर्माण किया गया था। इसे जंतर वंतर के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतम सूची। यूनेस्को में सुर्खियों में क्यों? अनंतम सूची में गुजरात के बड़नगर शहर, मुनेरा स्थित प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा के में ऊना कोटी की शैल कथित मूर्तियों को शामिल किया गया है। इससे संबंधित तथ्य यूनेस्को की अनंतम सूची उन धरोहरों में से एक है जिन्हें प्रत्येक पक्षकार देश विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने का इच्छुक होता है। इस सूची में शामिल होने के बाद यूनेस्को इसे विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान करने का विचार करता है। अनंतम सूची में अब भारत के 52 स्थल दर्ज हो गए हैं। 3 नए स्थल, बड़नगर गुजरात। बड़नगर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित एक नगर पालिका है। यह एक बहुस्तरीय तथा बहुसांस्कृतिक व्यापारिक बस्ती है और इस नगर का इतिहास लगभग
आठवीं शताब्दी ईस्वी से शुरू होता है। यह एल आकार का एक शहर है और इसके उत्तर पूर्वी किनारे शर्मिष्ठा झील स्थित है। वडनगर में दो प्रमुख प्राचीन व्यापार मार्ग एक दूसरे को काटते हैं, उनमें एक मध्य भारत को सिंध से और आगे उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से जोड़ता है, दूसरा मार्ग गुजरात तट पर स्थित बंदरगाह शहरों को उत्तर भारत से जोड़ता है। इसके भीतरी बंदरगाह संघ मनकों के उद्योग का केंद्र, धार्मिक केंद्र, मंदिरों का शहर आदि होते हैं। इसका उल्लेख महान चीनी यात्री हुएन त्सांग के यात्रा वृत्तांत में भी मिलता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह नगर भी है। अब आता है मुंडेरा का सूर्य मंदिर और इसके आसपास के स्मारक जो गुजरात में स्थित है। यह गुजरात के मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के किनारे पर स्थित है। पुष्पावती रूपन नदी की एक सहायक नदी है। यह मंदिर मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में 1226 से 27 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले डिलवाड़ा मंदिर और रानी की बाव भी उसके शासन में बनाए गए थे। इस मंदिर के मुख्य मंदिर में शामिल है गर्भगृह, एक सभागार, बाहरी सभा कक्ष और एक पवित्र सरोवर जिसे अवराम कुंड कहा जाता है। इसका निर्माण चमकीले पीले बलुआ पत्थर से हुआ है और इस मंदिर की मूर्तियों में तीन देवी देवताओं की आदमकद प्रतिमाएँ शामिल हैं। ये देव समूह है आदित्य, लोकपाल और देवियाँ हैं। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक दिशाओं के दौरान उदय होते ही सूर्य की पहली किरण सूर्य देव के सिर पर रखे हीरे पर पड़ती है। संबंधित तथ्य, प्रधानमंत्री ने मुंडेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। मुंडेरा गांव के साथ साथ मुंडेरा का सूर्य मंदिर भी भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। अब आता है इसका तीसरा स्थल, ऊनाकोटी श्रृंखला में शैल कर्तित मूर्तियां और उभरी हुई नक्काशियां। यह त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ऊनाकोटी का शब्दार्थिक अर्थ एक करोड़ से एक कम है, एक करोड़ से एक कम। यह त्रिपुरा में 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में शैव उपासना का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस स्थल में चट्टानों पर देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है। ऊनाकोटी की इस मूर्तिकला को चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां अलग अलग मूर्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रसिद्ध आकृतियों और मूर्तियों में शामिल है ऊनाकोटी, कालभैरव, गंगाधर, बोधिसत्व का चित्रण, चतुर्मुख लिंग और एक मुखी लिंग आदि आते हैं। ऊनाकोटी में एक जलधारा तीन कुंडों का निर्माण करती है और ये तीनों कुंड वार्षिक अशोकाष्टमी मेले का हिस्सा है। अब आती है अनंतताल झील। अनंतताल झील को सुर्खियों में क्यों? संस्कृति मंत्रालय ने अनंतताल झील को प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय स्मारक का घोषित किया है। अनंतताल झील के बारे में, यह अनंतताल झील कुतुब परिसर के उत्तर पश्चिम में जोग माया मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी में किया गया था। इसका श्रेय तोमर वंश के अनंतनांग पाल द्वितीय को दिया जाता है और यह 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर इसने शासन किया था। बीच वर्तमान हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर इन्होंने शासन किया था। राष्ट्रीय स्मारक के बारे में, राष्ट्रीय स्मारक ऐसे प्राचीन और सभी पुरातात्विक स्थल और प्रावशेष होते हैं जो निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया जाता है, जिसमें प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951 की धारा 3 और 4 के तहत और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 126 के तहत आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे स्मारकों की सुरक्षा, संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। अब देखते हैं तोमर वंश। तोमर वंश के संस्थापक थे अनंतपाल प्रथम और यह 8वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास था। इसमें मुख्य शासक थे अनंतपाल द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान। अनंतपाल द्वितीय, इसने दिल्ली को आबाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से तराइन के युद्ध में लड़ा था। मुख्य शहर में राजधानी, इसकी राजधानी शुरू में अनंतपुर फरीदाबाद के नज़दीक थी जो कई बार बदलती रही। बाद में ढिल्लिकापुरी या दिल्ली को तोमर वंश की राजधानी बनाया गया। वर्तमान में इस क्षेत्र की हरियाणा और दिल्ली आते हैं। यहाँ की संस्कृति, अनंतपाल तोमर द्वितीय ने लाल कोट का निर्माण किया था। इसे बाद में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किला राय पिथौरा में विलय कर दिया गया था। उदयगिरी के महरौली स्थित लोह स्तंभ अनंतपाल द्वितीय ही दिल्ली लेकर आया था। अनंगपुर गांव के निकट अनंगपुर बांध बनाया गया था तथा सूरज कुंड जलाशय को राजा सूरजपाल ने बनवाया था। अब आता है मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक दर्जा देने की मांग की है। मानगढ़ नरसिंहार के बारे में, वर्ष 1913 में कुछ भीलों ने एक समाज सुधारक गुरु गोविंद और पूंजा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। नवंबर 1913 में सैकड़ों आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी पर शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। उसी समय उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने घेर लिया और गोली मार दी। इस घटना को छोटा जलियांवाला बाग नरसिंहार के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया तो इसके महत्व क्या है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए क्या मानदंड दिए गए हैं। प्राचीन स्मारक या पुरातात्विक स्थल 100 वर्ष से कम पुराना नहीं होना चाहिए। उसका विशेष ऐतिहासिक पुरातात्विक या कलात्मक महत्व होना चाहिए और हितधारक जनता को ऐसे स्थल को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसकी मापदंड है और राष्ट्रीय महत्व की घोषणा कब की जाती है। राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्कृमारक तथा पुरातत्वीय स्थलों अवशेष अधिनियम 1958 के तहत स्थलों या स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर विचार करता है, बसरते वे कुछ मानदंडों को पूरा करते हों। तो ये मानदंड इसमें दिए गए हैं। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में, गुरु गोविंद सिंह गोविंद गुरु राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा गुजरात के इडर तथा मध्य प्रदेश की मालवा के आदिवासियों के एक क्रांतिकारी नेता थे। वह भील और गरासिया आदिवासी समुदायों के बीच आदिवासियों को एकजुट करने वाले महान नेता थे। भीलों की स्थिति में सुधार करने के लिए गुरु गोविंद ने 1908 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में उन्होंने शाकाहारी भोजन करने और शराब से दूर रहने पर बल दिया था। उन्होंने अपने समर्थकों से बंधुआ मजदूरी से इनकार करने और अपने अधिकारों के लड़ने के लिए आह्वान किया था। वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, जबरन श्रम से इनकार करने, लड़कियों को शिक्षित करने और जनजातियों के बीच आपसी विवादों को अदालतों में ले जाने के बजाय आपसी समझौते से हल करने की वकालत करते थे। संबंधित सुर्खियाँ, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने निम्नलिखित दो स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। पहला स्थल बड़ोदरा में संकल्प भूमि वटवृक्ष परिसर, और यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन उनका संकल्प लिया था। दूसरा स्थल महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, यहाँ अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। अब आते हैं प्रसाद योजना के अंतर्गत परियोजनाएं। हाल ही में राष्ट्रपति ने मैंने प्रसाद परियोजना के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे संबंधित तथ्य, भारत के राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश के श्री सेलम मंदिर की विकास परियोजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम और रुद्रेश्वर या रामाप्पा मंदिर में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। चलिए प्रसाद योजना क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रसाद राष्ट्रीय तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है जिसका उद्देश्य पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए तीर्थयात्रा स्थलों का एकीकृत विकास है। यह धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचानने पर केंद्रित है। यह सार्वजनिक निजी साझेदारी और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वित्त पोषण के जरिए से निजी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करती है। इसके स्वीकार्य घटक, इसमें पहला आता है अवसंरचना विकास, दूसरा क्षमता निर्माण कौशल विकास और ज्ञान प्रबंधन, तीसरा ऑनलाइन उपस्थिति, GIS आधारित पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन, सूचना शिक्षा और संचार है। इसका इतिहास, यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती, भगवान शिव मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी पार्वती देवी भ्रमरांपा देवी को समर्पित है। इसे इक्ष्वाकु शासकों का संरक्षण 200 से 300 ईस्वी में प्राप्त था। रेड्डी शासकों के समय इसको स्वर्ण युग माना जाता है। चालुक्य, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य में भी इसके विकास में योगदान दिया था। यह श्री सेलम मंदिर कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। स्थापत्य संबंधी विवरण, इसके पीठासीन देवता लिंगम के आकार में भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पार्वती के 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। अन्य मुख्य विशेषता है, यह भारत का एक ऐसा मंदिर है जो शैव और शाक्त दोनों के उपासकों के लिए पवित्र है। इसे पांडल प्रेमा स्थलगम में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे तमिल तीव्रम भजनों ने लाभ गौरवान्वित किया है। इसके प्राचीनतम उल्लेख सातवाहन राजवंश के शासक पुलुवामी के 2 शताब्दी ईस्वी के नासिक उल शिलालेख से प्राप्त है। अब रुद्रेश्वर मंदिर या रामाप्पा मंदिर मुलुगु तेलंगाना में स्थित है और इसका इतिहास देखते हैं।
यह रामलिंगेश्वर स्वामी को समर्पित है। इसके शिल्पकार का नाम रामप्पा था। इसका निर्माण काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में उसके सेनापति रेचारला रुद्र ने करवाया था। स्थापत्य कला का विवरण, यह बलुआ पत्थर से निर्मित है और इस मंदिर में काकतीय काल की विशिष्ट शैली, तकनीक और सजावट को दर्शाता है। जैसे इसमें अलंकृत ग्रेनाइट और डॉलराइट के बीम एवं स्तंभों पर एक जटिल नक्काशी की गई है। हल्की छरछराई ईंटों तथा कथित तैरने वाली ईंटों से बना एक अद्भुत और पिरामिडनुमा विमान है। अन्य प्रमुख विशेषता है, इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह हजार स्तंभ मंदिर या रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय है। अब आते हैं श्री सीता रामचंद्र स्वामी स्वामीवरी देवस्थानम या भद्राचलम तेलंगाना। यह भगवान राम को समर्पित है और यह कांचेरला गोपन्ना द्वारा निर्मित या पुनर्निर्मित है। इसे गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के शासनकाल में भद्राचल रामदासु राजस्व अधिकारी के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, यह गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है और यह पर्णासाल गांव या दंडकारण्य वन और रावण द्वारा माता सीता के अपहरण स्थल के करीब स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, अंकुरवाड़ मंदिर परिसर कंबोडिया। विदेश मंत्री ने सभ्यतागत संबंधों के कारण अंकुरवाट मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करने के लिए भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। अंकुरवाट का अर्थ मंदिरों का शहर होता है। यह प्राचीन मंदिर परिसर का निर्माण 12वीं शताब्दी की शुरुआत में सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। प्रारंभ में यह हिंदू देवताओं शिव ब्रह्मा विष्णु को समर्पित था, हालांकि बाद में इसे बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। यह मंदिर कंबोडिया के सीएम रीप प्रांत में स्थित है और यह दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। इसमें कई मंदिर, जलीय संरचना और संचार मार्ग आदि शामिल होते हैं। अब आता है अंबेडकर सर्किट। अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेषक पर्यटक ट्रेन चलाने की योजना की गई है। अंबेडकर सर्किट में शामिल है मध्य प्रदेश के महू अंबेडकर जी का जन्मस्थली, महाराष्ट्र का नागपुर जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, दिल्ली का निवास जहाँ वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान रहे थे, और महाराष्ट्र का दादर जहाँ उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था, इससे संबंधित है। यहाँ पर हमारा तीसरा टॉपिक महत्वपूर्ण स्थल फिनिश होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।